हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में और मैं हूँ पूनम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ठीक हूँ। आज मेरा जो काम है ना वो बड़ा स्पेशल है। अचार डालना जितना आसान है ना, उतना ही उसको ना सेव करके रखना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। सो आज मुझे यही काम करना है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ और दिखा देती हूँ। मैंने पूरा ही अचार डाल लिया है। सो काम शुरू हो चुके हैं, घर के आधे से ज़्यादा हो गए हैं और मेरा फर्स्ट काम यही है। पहले मैं इसको ठीक करके रखूँ और दिखाती हूँ आपको। सो ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ इकट्ठी करके रख रखी हैं। ये बर्नियाँ जो उस दिन मंगाई थी, और ये देखिए यहाँ पे ये है मेरा सरसों का तेल। 5 टीन मंगाया मैंने। और यहाँ पे ना ये पर्दा इसलिए लगा रखा है क्योंकि ना किचन से ना ये वाला एरिया गर्म हो जाता है, तो यहाँ बैठ के ना फिर टीवी वगैरह देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये पर्दा ना, ये पार्टीशन लगा दिया इधर। सो फिर क्या करते हैं कि इस रूम का ना एसी हम ऑन कर लेते हैं तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर ठीक लगता है। और हमने पर्दा इसमें इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि ना वो है ना, दिख रही होगी आपको, वो देखिए ये रॉड ना यहाँ से ख़राब हो गई है। ये मेरे भतीजे आते हैं ना, खेलते हैं ना, तो खींच दिया उन्होंने पर्दा, अब वो वहाँ से ना वही हट गया है। तो हम इसलिए यहाँ पे पर्दा नहीं लगाते क्योंकि रॉड गिर जाती है। आज अच्छा मौसम हो रहा है बाहर, ये देखिए। ओहो, आंधी चल रही है, तो आंधी आजकल रोज ही आने लग गई है, पतंगे उड़ रही हैं। करी पत्ता मेरा अच्छा हो गया है बहुत, सर्दियों में ना ये खराब हो गया था। देखिए कितनी तेज आंधी आ रही है। चलिए अंदर ही चलते हैं। सच्चा तो अब कई लोग ना ये सोचेंगे कि ये 5 टीन तेल क्या कर रहा है मेरे घर में। ये ना मैं हर साल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ना तेल बहुत महंगा हो गया। पिछले साल जब मैंने लिया था, मैंने 6 टीन लिए थे, तो वो थे, एक टीन था 1800 कुछ रुपये का। इस बार ये मंगाया मैंने 2300 रुपये का, महंगा हो गया। लॉकडाउन जब से लग रहा है ना, तब से चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। और ये मेरी बहुत पुरानी आदत है कि मैं हर चीज़ ना, ये तेल, चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें ना मैं पूरी साल भर की लेके रखती हूँ। मुझे इतने सारे अचार वगैरह डालने होते हैं तो तेल ना बहुत ज़्यादा लगता है। खाने में हम उतना यूज़ नहीं करते हैं, बट मुझे आदत है कि इकट्ठा लेके रखने का। सो ये मैंने 2 बड़ी बड़ी कैन ले रखी हैं, 50-50 लीटर की। उसमें इनको हम डाल के रख देते हैं, पूरा साल ठीक से रहता है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना कम पसंद है कि कोई चीज़ बार बार लेने जाओ, बार बार तेल वेल खासकर। सो चलिए मैं इसको ना इसमें डालती हूँ अचार को, और दिखाती हूँ आपको। मांझ के ना धूप में सुखा लिए हैं, फिर भी एक बार कपड़ा, ये देखिए जो आम बचे थे ना उसका भी अचार मैंने कल उसका बना दिया था, और अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अचार को ना हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक में तो उसमें तो चीज़ें ना अगर डालते हैं नमक से जो है जंग लग जाता है, तो चीज़ें वैसे ख़राब हो जाती हैं अचार वगैरह। और अचार ख़राब नहीं होता है उससे, अगर गैप नहीं होता है तो। ये वाली तो भर गई है, अब इसमें जो है तेल डालना है। इसमें मैं तेल डाल दूंगी। और ये वाला है वो अचार जो उस दिन मैंने बताया था। साउथ इंडियन टच देने की कोशिश की है मैंने, बट ये साउथ इंडियन अचार है नहीं। पता है क्या, साउथ इंडियन अचार में मैंने जो पूछा था ना मेरी फ्रेंड से, उसने मैंने 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 बोला उससे कि 2 किलो आम है, उसने मुझसे पता क्या बोला, 1 किलो लाल मिर्च डालनी है उसमें। 1 किलो लाल मिर्च डाल के उसे खाता कौन? तो इसीलिए मैंने फिर अपने हिसाब से बनाया। बट हाँ, ये बहुत चटपटा है, इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। चार दिन बने हुए आप देख सकते हैं, अचार में ना 2 दिन में ही अगर वो होता है ना कि ख़राब होना होता है तो वो होने लगता है। बट क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे हाथ का अचार ना ख़राब नहीं होता है, तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है।
अचार की जो खुशबू है ना पूरे घर में फैली हुई है। ये अचार मैंने दो बर्नियों में इसलिए करा है क्योंकि ऊपर से ना मैं तेल भी डालूंगी तो पूरी तरह आ जाएगा। आप देखिए ये अचार ना बहुत टेस्टी डला है, मतलब सारा ही अचार जितना भी डाला है मैंने, बट इसमें ना कुछ अलग ही फ्लेवर आ रहा है क्योंकि इसमें ना लहसुन और मिर्ची का बहुत ज़्यादा गर्म मसाले का ज़्यादा है। देख कर ना खाने का मन करता है मेरा अचार, अचार देख कर ना मेरा इतना मन करता है ना कि मैं ना खाती रहूँ इसको, बट मैं खा नहीं सकती बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा खा सकती हूँ। तो ये देखिए ये अचार वो है जो मैंने 3 साल पहले डाला था आम का, ये देखिए इसको मैं इस साल छोटे छोटी बर्नियों में करके रखूंगी और ये लोग खाएंगे इसको। और एक ये है, ये देखिए इतना अच्छा गला हुआ है ना अचार, ये देखिए बिल्कुल गला हुआ है। बताया था ना आपको नींबू का अचार, ये रहा वो देखिए बिल्कुल काला हो रहा है। और इसकी खास बात है इसको ना 7 साल हो गए हैं, हाँ 7 साल तो पूरे हो ही गए हैं इसको। और पता है इसमें ना तो तेल है कुछ नहीं है, सिर्फ गरम मसाला है, अजवाइन है, नमक है काला और नींबू है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगी वरना ख़राब हो जाएगा। और ये बहुत यम्मी, अभी खुशबू पूरा फैल गई इसकी, बहुत अच्छा। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी बताऊँगी आपको। ये है लाल मिर्ची का अचार जो मैंने सर्दियों में डाला था, ये वाला बड़ी वाली मिर्ची, इसमें वही आम का अचार है। तो ये देखिए मेरे पास इतने सारे अचार हैं जिसमें से कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, बट मुझे ना शौक है कि मैं बना के रखूँ और ये मुझे दिखते रहे और मेरे को देख देख के खुशी मिलती रहे। A few moments later, अब ये ना सब इतना फैल गया है, अभी ये मेरे को साफ करना है और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए मेरे को ना ऐसे रखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए सारा मैंने ऊपर रख दिया, बट इसमें ना बड़ा वाला जार नहीं आया। ये छोटी वाली बर्नी में जो करके रखा है ना मैंने, वो रोज़ के यूज़ के लिए रखा है, बड़ी बड़ी बर्नी उतारी नहीं जाएंगी, किसी दिन तोड़ देंगे ये लोग। सो ये देखिए ये रहा, ये वाली बर्नी उधर आई नहीं सो मैंने ना इधर रख दिया इसको। ये बड़ी है, 4 किलो की है। इतना बड़ा काम है ना अचार को पैक करके रखना और उसकी हिफाजत करना। सो ये काम तो मेरा हो गया और अभी मैं यहाँ बैठ गई थोड़ी देर। अभी मैं सोच रही हूँ कि डिनर में क्या बनाएं आज, क्योंकि देखिए बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग कि मैं ना सुबह देर से ही उठ रही हूँ। अभी जब मेरी बेटी ऑफिस जाने लग जाएगी ना तब मैं जल्दी उठूँगी, क्योंकि अभी वो मुझे उठने नहीं देती है, उठाती ही नहीं है, मतलब मैं सोती रहती हूँ तो देर से उठती हूँ। तो मॉर्निंग मैंने शायद 2 महीने से नहीं देखी है, कभी कभी बीच में उठ गई हूँ वो लकीली बस ऐसे ही तुक्के से। बाकी मैं ये मंडे से ऑफिस जाएगी सो मंडे से मैं मॉर्निंग भी देखने लग जाऊँगी। सो अभी मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ वैसे मैं। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। सबसे पूछने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं बनाती हूँ मलाई चाप। सो ये देखिए आज ना मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि इसको मैंने काटा नहीं है, इसको मैंने बॉईल किया है 4-5 मिनट और फिर इसके बाद ना मैं इनको थोड़ा तल रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ। और इधर मेरा मसाला भुन चुका है, अभी कम आँच पर ये धीरे धीरे सिक रहा है मसाला अभी। सो ये बना रही हूँ आज मलाई चाप और आप इसकी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में। मसाला पूरा भुन चुका है और ये भी फ्राई हो गई है और मैं इसमें ये डाल दूँगी, मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने चाप डाल दी है और अब मैं इसको 4-5 मिनट के लिए कम आंच पर पकाऊंगी, जिससे कि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी क्रीम। इसमें 2-3 चम्मच देसी घी डालेंगे।
और इसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, क्योंकि कसूरी मेथी जो है ना ख़त्म हो गई और वो मुझे अब पता चला है रात में, सो अभी तो शॉप भी बंद हो गई। A few moments later. So dinner वगैरह सब हो गया और आपको पता है ये जो चाप की सब्जी मैंने बनाई थी ना वो बहुत अच्छी बनी थी, आप भी ट्राई करके देखिएगा। मैंने ना क्रीम थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑयली खाना ना पसंद नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छी बनी थी। अब क्या होता है ना कि अभी मैं कोई डाइट वगैरह फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मैं खा लेती हूँ इन लोगों के जैसा खाना, बट अगर मैं अपनी वजह से चार पांच लोगों का स्वाद ख़राब नहीं कर सकती तो इसीलिए ना फिर मैं उसी में से खा लेती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है डाइट वाइट कुछ करने का। मतलब अभी ना थोड़ा ऐसे ही रहने का मन है, कोई बात नहीं बाद में कर लूँगी। और आप ट्राई करके देखिएगा सब्जी ये वाली, बहुत अच्छी आपको पसंद आएगी और ईजी रेसिपी है, अच्छी लगी खाकर सबने बोला अच्छा है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, वीकनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी में, मुझे आ रही है पता नहीं क्यों, बट आप ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशी हर हाल में बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आप खुश रहिए, मैं भी खुश रहूँगी, मैं भी खुश हूँ। और बस चलिए मेरे ब्लॉग्स को लाइक करते रहिए, देखा करिए और ना प्लीज़ पूरा देखा करिए वीडियो को, पूरा देखा करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्यार करिए अपने आप से भी और मुझसे भी। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, कोई रेसिपी या फिर कुछ और पता नहीं, बट मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, बाय।